Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. आप सब काशीवासी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, आज व्यासपीठ के ऊपर अत्यंत सरस सुंदर सरल ये राम कथा का प्रवाह करने वाली हमारी पूज्यपाद श्री राजन जी महाराज यहाँ विराजे हैं। मैं तो ये सोच रहा था कि ये सावन अधिक है तो काशी में भी सब कुछ अधिक अधिक हो गया है। अभी प्रयाग में कथा विश्राम की है तो काशी भी संगम हो गया है। एक तरफ साक्षात विश्वनाथ की ये नगरी शिव बैठे हैं, इधर राम कथा चल रही है, उधर भागवत कथा चल रही है। आपका आपकी मधुरवाणी सरसवाणी स्वभाव की नम्रता चरित्र की प्रधानता यही सब राम कथा की परिपूर्ण आवश्यकता है। केवल प्रभाव से और अभाव से कथा नहीं गाई जा सकती, स्वभाव से भी कथा नहीं गाई जा सकती। अभी रुको रुको रुको, अभाव से नहीं, प्रभाव से भी नहीं, स्वभाव में भी। जीव का स्वभाव तो सतत दोष से युक्त है, अभाव आवश्यकताओं का है और प्रभाव माया का है, संसार का है। सही कहूं तो इन शास्त्रों के द्वारा दिए हुए सदाचार की आसन पर बैठकर केवल राम जी के परम स्नेह से प्राप्त उस भाव से ही राम कथा गाई जा सकती है। स्वयं राजन गा रहे हैं, मतलब राम ही गा रहे हैं। इस शब्द का प्रयोग तो राम के लिए ही होता है। तो साची कहूं वाल्मीकि लवकुश गा रहे हैं, मानस विश्वनाथ गा रहे हैं, पर आपका सौभाग्य देखिए राम कथा स्वयं राम गा रहे हैं। केवट का बड़ा सुंदर, ये तो एक प्रशंसा की बात हो गई और स्तुति करना शास्त्र की मर्यादा है, वेद की मर्यादा है। कोई किसी की स्तुति करे ये उसकी चाटुकारिता नहीं है, ये वैदिक मर्यादा, उस आसन की मर्यादा है। स्तवन करना, शास्त्रों ने देवताओं का स्तवन किया है, पर ये तो आपकी स्तुति हुई। पर अगर आपको रस देने की बात कहूं तो मैं वो मेरे दादा गुरुजी वर्णन करते थे कभी कभी महर्षि वाल्मीकि के आश्रय में, कि जब राम जी भक्ति प्रदान करके केवट के पास से चले गए और फिर वनवास के काल को पूरा करके वापस आए, उस बीच में केवट नाव रखता कैसे था, ये बात बड़ी समझ नहीं की है। उसने नाव को वैसे नहीं रखा जैसी जैसे पहले था। मैं कभी भाव की स्थिति में बैठकर उस चिंतन को, उस भाव स्थिति का अनुभव करूं तो मेरे चिंतन में एक अद्वितीय दृश्य प्रकट होता है कि वो उस नाव को वैसे ही रखता था जैसे काशी विश्वनाथ को रखते हैं महाराज। वैसे ही रखता था।
रोज अपनी सीधी सादी अनुभूति से छोटी सी अगरबत्ती जलाकर, जहां राम जी बैठे, जानकी जी बैठी, लखनलाल जी बैठे, जो उनके बैठने की भाव स्मृति थी उस समय, यत किंचित राम साक्षात सूर्यवंशी है, तो देह का जो परम प्रभाव और ताप है उससे जो एक हल्की सी रेखा सी बन गई थी उस नाव के पाटे के ऊपर, वहीं पर अनुभव करता राम जी की वो तपस्वियों की श्री अद्वितीय दिव्य वेश को बैठा बैठा बड़े भाव से रोज अगरबत्ती करके उसका निरांजन कर देता था। जिसने एक बार चरण धो के जल पी लिया हो तो ये नशा भी जल्दी उतरने वाला है नहीं भगवान। एक बार अगर कोई मदुरा पी ले और उसकी चसक लग जाए तो नाली पोखरों में गिरे तो भी नशा नहीं छोड़ता। जिसने राम के चरणामृत का आस्वादन कर लिया और उसका नशा चढ़ गया तो कैसे छोड़ देगा। पर एक बात मैं आपसे सत्य कह सकता हूं, मदुरा पीने वाला गिरा आंख साफ करके देखेगा तो नाली और पोखर होगा, पर राम के चरणामृत का आस्वादन करके चलेगा तो न स्खलेत न पतेत, उसका न कहीं स्खलन होगा न पतन होगा, और गिर भी गया तो आंख साफ करके देख लेना वो साक्षात राम का चरणारविंद ही होगा। तो वो जो जहां गमछा पे चरण धरे थे, पर भगवान नीचे से तो चरण पुछ गए थे, पर ऊपर राम की नखमणि के पास में जो छिद्र होता है उसमें हल्का हल्का जल अभी रहा था। छोटी वाली उंगली और बड़ी वाली उंगली के बीच में हल्की सी बूंदियां थी, और जब राम जी बड़े आनंद से बैठे और गंगा जी तरंग ली, राम जी संकोची हैं, जानकी जी बैठी हैं, तो धीरे 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 उस प्रवाह से वो जल भी रिस रिस के जहां अपनी छाप उसकी नाव में छोड़ गया था। मेरा अंतःकरण ये कहता है कि उसके बाद 14 वर्ष तक रोज केवट उसी जल को पीता था और किसी जल को नहीं पीता। रोज उसे पकारता था, रोज पुष्पार्पण करता था, रोज वन से ला करके सुंदर भोग बनाता थी, उसकी गृहिणी भोग बनाती थी, और नौका के पास धर के राम की भाव स्मृति को प्रकट करके उसके सामने भोग को धर के मुद्रा बना के तुलसी डाल के राम 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 मन में 3 बार मंत्रोच्चार करके उस नौका में विद्यमान अपने स्मृति के अभिज्ञान की प्रतिमूर्ति को राघवेंद्र सरकार को भोग लगा देता था, और रोज कुछ गंगा जी को दे देता था, तेरी कृपा से मुझे मिला, कुछ खुद पा लेता था। अगर चरण 4 बार धोए तो भोग भी 4 बार बनवा सकता है, यही उसकी उपासना है, यही उसकी प्रतीक्षा है। सही बात तो यह है, राम का प्रेम प्रतीक्षा देता है। हम इंतजार तो कर रहे हैं पर हमको इंतजार करना नहीं आता। अपन संसार की व्यस्तता में राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर केवट ने अब उस नाव में किसी को छूने नहीं दिया, अब उस नाव में किसी और को बैठने नहीं दिया। रोज सुबह आकर अपने पीतांबर से उस नाव का मार्जन परिमार्जन कर देता है, रोज उसे साफ कर देता है, और विश्वनाथ की तरह बैठा बैठा उसका अभिसिंचन करता है। ये मेरे राम बैठे, ये नाव नहीं है, ये मेरे राम के पुनरागमन की सूचना है। वो फिर आएंगे, वो फिर आएंगे, वो फिर मुझ पर कृपा करेंगे, और उन्होंने मुझे आज्ञा दी थी कि जब उस पार उतारूंगा तब कुछ देना, तो मैं यही मांग लूंगा कि हे प्रभु मैं आपको उस पार उतार दूंगा और आप मुझे उस पार उतार। आप भी केवट हो, अपन भी केवट हैं, दोनों केवट ही हैं, बस यही तो अंतर है। मैं जरा सा छोटी नदी का केवट हूं, आप जरा भव सागर के केवट हो। ये यथा माम प्रबद्यन्ते तामस्थैव भजाम्य हम, आपने अपने हिसाब में ये लिखा था कि जो मेरे लिए जैसा करता है मैं उसके लिए वैसा करता हूं, तो अपने स्वभाव को नहीं भूल जाना।
आप मुझे यहां से पार, मैं आपको यहां से पार उतारूंगा, आप मुझको वहां से पार उतारूंगा। अपनी इन वाणी के पुष्पों को ही केवल आपकी प्रसन्नता के लिए। देखो वो फूल तो मैं बाजार से लाया था, पर ये फूल मेरी परंपरा की बगीची में चिंतन के माली ने बोए थे, सो मैंने व्यासपीठ को अर्पित कर दिया। काशीवासी सौभाग्यशाली हैं, आज वहां तो जलहरी से जल चढ़ रहा होगा, श्रृंगी से जल चढ़ रहा होगा, पर मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं इस 3 घंटे विश्वनाथ वहां कम होते होंगे, यहां ज्यादा होते होंगे। ऐसे श्री राजन जी मेरे भ्राता श्री ही, आपने बड़ी सहजता से भ्राता कह दिया। वैसे भी रामायण के अनुभवी के लिए भ्राता शब्द ही सबसे गंभीर है। जो रामायण जानता है वो भ्रातृत्व ही जानता है, रामायण का अनुभवी भ्रातृत्व ही जानता है और किसी चीज को नहीं जानता। ये कथा ही भ्रातृत्व की कथा है, इसलिए आपने अपनी आर्ष परंपरा का अनुपालन करके कहा है। अब अगर आप राम हैं तो मैं भरत बनने का प्रयास करूंगा, और अगर मैं राम हूं तो आप भरत बनने का प्रयास करूंगा। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं। अब बोलो बोला हारा।